शनिवार को चंडीगढ़ स्थित मणिमाचरा में भारत विकास परिषद के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मणिमाचरा के गुरुद्वारा देहरा साहिब में हुआ। इस रक्तदान शिविर में बुडनपुर पंचकुला से पूर्व सरपंच एवं पार्षद सरदार महेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, बहुत ही बढ़िया काम किया है और हम इनके आगे भी सपोर्ट करेंगे इनको और अपने गांव में भी मतलब ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। ठीक, काम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज का जो कैंप है, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो हमारे शहीद हुए हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर भारत को आज़ाद कराया, उनके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंप हर साल लगाया जाता है। लगभग पिछले 12 सालों से हम ये कैंप लगा रहे हैं और साल में भारत के परिषद के जनसुजन्य से मणिमाजरा के आसपास के एरिया मणिमाजरा में 4 कैंप हम फिक्स हमारे जो है डोनर्स डोनेट करते हैं और हर कैंप के अंदर लगभग 100+150 ऐसे डोनर्स हमारे होते हैं। तो मेन मकसद हमारा भारत में परिषद का जो मकसद है मेन, वो मकसद ये है कि जो आने वाली जनरेशन है उनको ये मैसेज जाए, उनको ये पता लगे कि हमारा देश जो जब आज़ाद हुआ कितनी कुर्बानियाँ हुई, उन शहीदों की कुर्बानियों से ही आज हम स्वतंत्रता जीवन स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और समाज में जो है एक नई जागरूकता उनके माध्यम से उनकी शहीदी से हम यहाँ पर लाने जाते हैं। यही इस कैंप का मकसद है। जो ब्लड बैंक है वो ये वाला 23 मार्च वाला हमेशा ही PGI टीम हमें सपोर्ट करती है, उनकी टीम ही PGI से आती है और यहाँ से जो है जितने भी ब्लड डोनेट होते हैं वहाँ पे मीडी पर्सन को दिया जाता है। सुबह से जो है लगभग 18 लेडीज़ और बाकी 72 जो हैं जेंट्स अब तक ब्लड डोनेट कर चुकी हैं। 150 के आसपास हमारा आज का टारगेट है जो आज हमने रखा हुआ। इस रक्तदान शिविर में 127 यूनिट्स रक्तदान किया गया और इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट।